लेंज लॉ के अंदर के एग्जाम्पल्स हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल ये देखें, पहले एग्जाम्पल में जब नॉर्थ पोल इस मैग्नेट इस कॉइल की तरफ आ रहा है तो क्या होगा, देख रहे हो ये फ्लक्स इंक्रीज करता हुआ जाएगा। तो ये लूप है, नॉर्थ पास आ रहा है, डायग्राम ऐसा है, नॉर्थ पास आ रहा है तो ये फेस क्या एक्ट करेगा, नॉर्थ, ताकि इसे रिपेल कर सके। नॉर्थ का मतलब करंट इसमें कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। आंसर वो पूछेगा, एंटी क्लॉकवाइज इज आंसर। लेकिन दूसरे डायग्राम में जब नॉर्थ दूर जा रहा है, अब सोचो मैग्नेट का नॉर्थ दूर जा रहा है तो ये फेस क्या डेवलप हो जाएगा, साउथ। साउथ का मतलब करंट कैसे होगा, क्लॉकवाइज। आंसर इज क्लॉकवाइज। सही है, कैसे आंसर देना समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है, सपोज ये मैग्नेट रेस्ट पे है, वी इज इक्वल टू जीरो ध्यान से, और ये भी रेस्ट पे है, तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स तो क्रॉस हो ही रही हैं पर वो चेंज नहीं हो रही, क्योंकि फील्ड का बढ़ना या घटना जरूरी है। अगर इनमें से कोई मूव करेगा तभी इसमें करंट पैदा होगा, क्योंकि इसमें तो बी कॉन्स्टेंट हो गया, जितनी लाइन्स अब देख रहे हो इतनी रहेंगी, अब चेंज थोड़ी ना होंगी, जब पास जाओगे तो लाइन्स बढ़ेंगी। तो अगर वी जीरो है, फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, तो अब क्या बोलेंगे, इसमें इसमें कोई करंट पैदा नहीं होगा। सही है। नेक्स्ट है, इसके अंदर ये गलत किया हुआ है, वैसे बता देता हूँ, करेक्शन कर देता हूँ। जब ये मैग्नेट रेस्ट पे है तो स्टूडेंट नॉर्मली सोचता है कि इसमें कुछ पैदा नहीं होगा, लेकिन देखना भूल जाता है ट्रॉली है, ट्रॉली पास आ रही है, देखो कोई पास आए, तो अगर ये कॉयल खुद पास आ रहा है इस नॉर्थ पोल के पास, तो अब ये देखो इसको तो तुमने धक्का मारा है, ये खुद तो ना भागी आ रही है ट्रॉली, तुम पास ला रहे हो इस मैग्नेट नॉर्थ पोल के पास, तो ये कॉयल नहीं चाहती, तो कॉयल क्या फेस डेवलप कर लेगी फिर से नॉर्थ, क्योंकि पास आने से इसका फ्लक्स बढ़ता था, तो नहीं चाहती कॉयल पास आए, तो क्या डेवलप कर लेगी यहाँ पर नॉर्थ, तो नॉर्थ का मतलब करंट यहाँ पर कह दिखेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो बना लेना एंटी क्लॉकवाइज करंट, लिख लो इसके ऊपर, समझ में आ रहा है ये रूल। जैसे ये हो गया नॉर्थ दूर जा रहा है तो ये नॉर्थ पोल डेवलप साउथ डेवलप कर लेगा क्लॉकवाइज। ये क्वेश्चन है तो हर हालत में आना ही आना है, जो मर्जी कर लो, कॉम्पिटिशन में भी और वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरा ध्यान से सीख लेते हैं, इसको आंसर कैसे देना है। नीचे से नीचे से देखो, इसके अंदर आपको क्या करना है, सपोज ये करंट कैरिंग वायर है, ये लो ठीक है, करंट कैरिंग वायर है आई, इसमें करंट राइट जा रहा है और लेट अस सपोज अपनी वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है, और यहां पर एक लूप है, ये लूप है, मुझे इस चीज का आंसर दो। अगर करंट यहां पर इंक्रीज हो रहा है, ये करंट कैरिंग वायर इसके सेंटर पे बी जनरेट करेगी, डायरेक्शन बोलो बी की क्या है, थंब ये रहा आउटसाइड, तो मैं लिख रहा हूं बी यहां पर कैसे डेवलप होगा, आउटसाइड, और अपनी वैल्यू को क्या करने वाला है, इंक्रीज, क्योंकि करंट इंक्रीज है तो बी भी इंक्रीज है। अब देखो ना, लूप तो आराम कर रहा था और इसका भी क्या हो गया, आउटवर्ड्स इंक्रीज, ये कहता अच्छा ऐसे कैसे हो गया, मैं तो आराम कर रहा हूं और मेरा भी ऐसे इंक्रीज कर दिया तुमने, तुम करके दिखाओ, मैं अब अपने अंदर करंट ऐसे घुमाऊंगी कि मैं तुम्हारे इंक्रीजिंग बी को कम कर सकूं, क्योंकि बी यहां पर कैसे इंक्रीज हो रहा है बाहर, तो ये क्या करेगी, करंट ऐसे जनरेट करेगी ताकि अपना बी कैसे पैदा करे अंदर, तो यानी कि करंट इसमें कैसे पैदा हो जाएगा, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि इसने भी बाहर पैदा किया वो भी इंक्रीजिंग, तो ये करंट ऐसे घुमा के अंदर बी जनरेट करके आपके इंक्रीजिंग बी को अपोज करेगी। ये रूल समझ में आ रहा है यहां तक, अच्छा फिर देखो, चलो फिर लगाते हैं, ये लो सपोज करो ये करंट कैरिंग वायर है आई, इसमें बी करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज, ये लूप पड़ा है, मुझे बस ये बताओ कि अगर करंट ऊपर की तरफ है तो इसमें बी कैसे है, इनसाइड, बी कैसे है, इनसाइड, ज्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है, बी डिक्रीज है तो ये क्या होगा, डिक्रीज। अब कॉइल को ये पता लगता है कि एक्सटर्नल बी अंदर की तरफ डिक्रीज हो रहा है, अच्छा बी डिक्रीज हो रहा है, तो ऐसे कैसे डिक्रीज हो रहा है, मैं खुद करंट पैदा करके अपने बी को इंक्रीज करूंगी, तो ये करंट फिर से कैसे घुमाएगी, क्लॉकवाइज, ताकि इसका बी भी इनसाइड चला जाए, तो करंट इसमें कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज।
समझ में आ रहा है यहां तक? तो आपने ये देख लिया कि इसका बी कैसे इनसाइड है। अब ये मत देखें इनसाइड आउट, ये भी देखें बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, अंदर की तरफ है और घट रहा है, तो कॉइल घटने नहीं देगी, अपना बी भी अंदर करके इसको बढ़ा लेगी। जैसे सपोज करो ये करंट कैरिंग वायर है, ये करंट जा रहा है इसमें कॉन्स्टेंट, और ये लूप है, बोलो इसमें करंट क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज आएगा ही नहीं, जीरो, क्योंकि कांस्टेंट करंट यहां पर कांस्टेंट बी जनरेट कर देगा। जब बी चेंज ही नहीं होगा, जब फ्लक्स चेंज ही नहीं होगा, तो करंट पैदा नहीं होगा। समझ में आ रहा है यहां तक? इसीलिए आप जरा एग्जांपल्स को देखें, इसके अंदर ये देखें यहां पे करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो इसके सेंटर पे बी की वैल्यू की डायरेक्शन कैसे होगी, इनसाइड। अगर थंब ऐसे है तो बी कैसे होगा, इनसाइड, और अपनी वैल्यू को क्या करेगा, डिक्रीज। सही है, कॉइल ये नहीं चाहेगी बी डिक्रीज हो इसका, कॉइल भी, क्योंकि ये बी कहां पर है, इनसाइड, कम हो रहा है, कॉइल भी अपना भी इनसाइड कर लेगी, तो कैसे घुमाएगी करंट, क्लॉकवाइज, क्योंकि बी इनसाइड है तो क्लॉकवाइज। सही है, जैसे यहां पर करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो इसके सेंटर पे बी कैसे जनरेट होगा, थंब इधर, बी कैसे जनरेट होगा, आउट, तो बी कैसे जनरेट होगा, आउट, और वो भी इंक्रीजिंग, ये इंक्रीज तो बी इंक्रीज है। अब बी बाहर की तरफ इंक्रीज है, कॉइल नहीं चाहता इसका बी बाहर इंक्रीज हो, कॉइल अपना बी कैसे कर लेगी, इनसाइड, बाहर बढ़ रहा है तो इनसाइड, तो कैसे घुमाएगी, ऐसे। समझ में आ रहा है यहां तक कि रूल क्या है, तुम्हारा अगर बी बाहर बढ़ रहा है तो कॉइल ऐसे कर लेगी बी, तुम्हारा बी अगर बाहर घट रहा है तो बी ऐसे कर लेगी कॉइल। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि बी की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है इसमें, और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट्स कैसे निकलेंगे। ठीक है, तो जैसे इसके अंदर ये तो हो गया, नॉर्थ पास आएगा तो नॉर्थ डेवलप कर लेगा, ये भी क्लियर है। अगर एक सोलेनॉइड पड़ा हुआ है, सोलेनॉइड कुछ नहीं है, रिंग्स हैं, लूप्स हैं, और एक लूप की तरफ अगर एक मैग्नेट पास आती है, और अगर नॉर्थ पास आ रहा है, तो पहला लूप क्या डेवलप कर लेगा, नॉर्थ, ताकि इसको भगा सके। और सोलेनॉइड में अगर ये नॉर्थ है तो इसको तो साउथ होना पड़ेगा, क्योंकि सोलेनॉइड तो एक मैग्नेट है, अगर पहला पोल नॉर्थ है तो आखिरी साउथ निकलेगा ही निकलेगा, तो डायरेक्शन बतानी है इसमें नॉर्थ एंड साउथ। जैसे ये एक मान लो एक डायग्राम है, इसमें बिल्कुल भी कोई करंट नहीं है, इसमें बिल्कुल भी कोई करंट नहीं है, तुमने इसकी बैटरी ऑन कर दी और करंट बढ़ा दिया, 0 से 5 एम्पियर करंट हो गया। चाहे देखो 0 से 5 इंस्टेंट तो हुआ नहीं होगा, कुछ समय तो लगा ही होगा, तो जब वो करंट बढ़ रहा था तो इसका बी भी इंक्रीज हो रहा था ऐसे, सोलेनॉइड का बी उसके एक्सिस पे होता है और बी की वैल्यू उसकी इंक्रीज हो रही है। अब सामने पड़ोस में कॉइल पड़ा हुआ था, आराम कर रहा था कि चल मैं आराम करता हूँ थोड़ी देर, यहां पता लगा बैठे बैठे ही उसका बी पड़ोस के कॉइल ने इंक्रीज कर दिया, इसने कहा ऐसे कैसे इंक्रीज कर दिया, मैं तो यहां से भागूं, भागूं क्यों, क्योंकि अपने फ्लक्स को क्या करूं, कम करूं। क्वेश्चन आएगा ये लूप फ्री टू मूव है, लेफ्ट जाएगा या राइट जाएगा, जैसी करंट ऑन होगा, जैसी करंट ऑन होगा इधर से बी बढ़ेगा, इसका बी बढ़ेगा, ये फ्री टू मूव है, सबसे पहले इसका भागने का मौका मिलेगा, ये दूर भागेगी ताकि अपने फ्लक्स को क्या कर सके, डिक्रीज, ये राइट मूव करेगी। इसमें ये नहीं बताना होगा नॉर्थ साउथ करंट कैसे जनरेट होगा, इसमें बस ये बताना होगा कि कॉइल राइट जाएगी या लेफ्ट जाएगी। तो राइट क्यों जाएगी, क्योंकि इंक्रीजिंग फ्लक्स से दूर भागेगी। जैसे ये क्वेश्चन तो बहुत आते हैं, ये वाला देखो, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपको ये गिवन है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, पहले तो ना इसमें मेंशन नहीं किया हुआ, इसमें जरा मतलब लाइट है थोड़ा सा, तो इसको एक बार बना लेते हैं, ये लो, ये लो, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, बोर्ड के अंदर है। क्वेश्चन है कि सपोज ये रेक्टेंगल
मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री कर रहा है, अब रेक्टेंगल एक लूप है, उसको पता लग गया जब मैं एंटर करूँगा तो मेरा ज़्यादा एरिया बी में इंक्रीज हो रहा है, मेरा फ्लक्स बढ़ रहा है क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस इसमें बढ़ती जाएंगी। अब ये जाने को तैयार नहीं, मैं कहा चल यार अंदर चलते हैं, कहते ऐसे कैसे चले अंदर, क्योंकि जब मैं अंदर जाऊँगा मेरा बोर्ड के अंदर बी बढ़ना स्टार्ट हो गया। वो कहता फिर मेरे को काम करना पड़ेगा, मैं इस बी को बढ़ने नहीं दूंगा, तो मैं तुम मेरा बी अंदर की तरफ लगा रहे हो, मैं बी बाहर कर लूँगा ताकि करंट पैदा करके कम से कम कुछ तो आपके इंक्रीजिंग बी को कम कर सकूँ। तो करंट कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर मैं इस लूप को कहता हूँ, ये पूरा लूप है, चल तू बाहर चल, अब ये बाहर जाने को तैयार नहीं। वो कहता है ऐसे अगर मैं बाहर गया मेरा बी कम कर दोगे, लाइंस कम हो जाएंगी, और तुम अगर मुझे बाहर लेके जाओगे मेरी लाइंस कम होंगी, फिर मैं अपना बी अंदर कर लेता हूँ ताकि कम ना हो, तो फिर करंट कैसे घुमाऊंगा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। है कि नहीं कमाल की बात, उल्टा ही काम करता है। जब मैं कहता हूँ अंदर चल, अंदर नहीं चलता, मैं बाहर चल, बाहर नहीं चलता, करंट लगा लगा के ऑपोजिशन शो करे जाता है। अब जैसे ये लूप है, ये अंदर जा रहा है, इसका बी बढ़ जाएगा, तो इसने क्या किया, इसने अपना बी कम करने के लिए बाहर कर लिया, और करंट कैसे घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज। अब जैसे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल बाहर जा रहा है, इसका फ्लक्स कम हो रहा है, इसकी लाइंस कम हो रही हैं, तो कहते हैं कोई बात नहीं कम हो रही हैं, मैं अपना बी अंदर कर लेती हूँ, तो करंट कैसे होगा, क्लॉकवाइज। तो ये रूल इसमें इसमें लगाना है आपने। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में बहुत बार आया ये वाला, और बहुत लोग इसको गलत करते हैं, अगर आप नहीं कर रखा है पक्का गलत हो जाएगा आपसे। लेकिन इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक रूल समझना है, क्या इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर एक रूल सीखा हुआ है कि जो बैटरी का करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, यही सीखा है। नोट कर लो बड़ा बड़ा, नहीं तो चैप्टर में सारे क्वेश्चन गलत होंगे, एक नहीं 100 क्वेश्चन गलत कर बैठोगे। जो इंड्यूस करंट होता है वो हमेशा जो पैदा होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव पैदा होता है। इंड्यूस करंट नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, नॉर्मल करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है। ये हाईलाइट कर लो, इंपॉर्टेंट कर लो। जो इंड्यूस करंट है उसकी डायरेक्शन हमेशा कहाँ से कहाँ होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव। ये नॉर्मल करंट के रूल्स नहीं फॉलो करता, सही है। इस क्वेश्चन में एक इल्यूजन है, आंखों का धोखा देखो कैसे है। आधे लोगों को लगेगा ये कैपेसिटर लगा हुआ है और ये आगे लगा हुआ है और ये पीछे है, आधों को लगेगा ये साइड आगे और कैपेसिटर पीछे है, दोनों तरफ से लगता है। ये देख लो आपके सामने, कभी वो कैपेसिटर आगे लगेगा कभी पीछे लगेगा, तो कैसे फैसला करें। मैं खुद उलझ गया था, मैं कैसे फैसला करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। तो फिर पुराने पेपर में देखा यार वो ना पीछे लगा के सॉल्व करता है, तो मैं पीछे लगा के सॉल्व कर बैठा हूँ, अब मैं पीछे लगा के सॉल्व करूँगा। तो इमेजिन करो ये आपके पास एक सपोज करो कैपेसिटर है, ये पीछे लग गया कैपेसिटर, देख रहे हो ये रहा पीछे एक कैपेसिटर लग गया ऐसे, ठीक है लगा दें। अब शुरू करें, आपको ये बताना है कि कैपेसिटर की प्लेट कौन सी पॉजिटिव कौन सी नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगी जब मैं एक मैग्नेट के नॉर्थ पोल को पास लेके आऊँगा। बस तुम मुझे एक चीज़ का आंसर दे दो, जब मैं नॉर्थ पास लेके आऊंगा ये पूरा फेस क्या करेगा, नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब करंट कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और ये कौन सा करंट है, इंड्यूस करंट है। इंड्यूस करंट कहां से स्टार्ट होता है, नेगेटिव से, कहां जाता है पॉजिटिव। देखो नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव ऊपर वाला पॉजिटिव। नॉर्थ पास आ रहा है तो नॉर्थ, नॉर्थ मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे, ऐसे का मतलब नीचे की प्लेट से स्टार्ट होकर ऊपर की प्लेट पे जाएगा, इसलिए नीचे की प्लेट नेगेटिव है ऊपर की प्लेट पॉजिटिव है।